हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। तो आज हम बहुत ही सिंपल सी स्टोरी रीड करेंगे और सीखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड वर्ड्स और कुछ ग्रामर रूल्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो करते हैं आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट। आज की स्टोरी है द ग्रीडी फॉक्स। ग्रीडी मीन्स लालची, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, लालची लोमड़ी। वंस, एक बार, अ फॉक्स, एक लोमड़ी, वॉज फेमिस्ट, बहुत भूखी थी। फेमिस्ट का मतलब होता है बहुत भूखा होना, तो फेमिस्ट की जगह हम वेरी हंग्री भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। हु, जो, वाइल के दौरान, वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स इधर उधर भटकना, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। सो हु वाइल वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, जो भोजन के तलाश में इधर उधर भटकने के दौरान केम अक्रॉस। केम अक्रॉस का मीनिंग आपको पता होगा अगर आपने पहली वीडियोस देखी हुई हैं, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग हम पहले भी कई स्टोरीज में सीख चुके हैं। तो केम अक्रॉस कम अक्रॉस का सेकंड फॉर्म है। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, एंड केम अक्रॉस मींस अचानक से मिला। अ विन यार्ड, इसको हम लिखते तो वाइन यार्ड है लेकिन प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं विन यार्ड, जिसका मतलब होता है अंगूरों का बाग। तो उसे अचानक से एक अंगूरों का बाग मिला। देयर, वहां, द रिपंट, रिपंट, रिपंट का सेकंड फॉर्म है। रिपंट मीन्स पका, और इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों ही रिपंट होती है, जिसका मतलब होता है पका हुआ। सो द रिपंट ग्रेप्स, पके हुए अंगूर, विच वर, जो थे, वेरी डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट, एंड स्वीट, और मीठे। हंग, हैंग का सेकंड फॉर्म है। एच ए एन जी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है लटकना, एंड इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों ही हंग होती हैं, जिसका मतलब होता है लटके हुए। तो हंग फ्रॉम द वाइन्स, बेलों से लटके हुए थे। वाइन मीन्स बेल, एंड वाइन्स मीन्स एक से ज्यादा बेलें। द फॉक्स लुक्ड एट देम, देम यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, ग्रेप्स के लिए। तो लोमड़ी ने उन्हें देखा ग्रीडीली, लालच से। तीन वर्ड्स होते हैं ग्रीड, ग्रीडी एंड ग्रीडली। ग्रीड का मतलब होता है लालच, ग्रीडी मीन्स लालची, एंड ग्रीडीली मीन्स लालच से या लालच पूर्वक। तो लोमड़ी ने उन्हें लालच से देखा, एंड जंप्ड अप, और ऊपर उछली, टू बाइट द ग्रेप्स, अंगूरों को खाने के लिए। बाइट का मतलब होता है किसी चीज को दांत से काट के खाना या खा जाना। बट फेल्ड, लेकिन विफल हुई, टू रीच देम, रीच मीन्स पहुंचना या तक पहुंचना, उन तक पहुंचने में। तो लोमड़ी ने उन्हें यानी कि अंगूरों को लालच से देखा और ऊपर उछली उन्हें खाने के लिए, लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकी। शी ट्राइड, उसने कोशिश की। ट्राइड, ट्राई का सेकंड फॉर्म है। ट्राई मीन्स कोशिश करना, एंड इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों ही ट्राइड होती हैं, जिसका मतलब होता है कोशिश की। अगेन एंड अगेन, बारंबार। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। तो उसने बार बार कोशिश की विद ऑल हिज कैपेसिटी, उसकी पूरी क्षमता से। कैपेसिटी मीन्स क्षमता। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, कुड नॉट मेक इट। मेक इट का मतलब होता है किसी चीज को करने में सफल होना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कुड नॉट मेक इट मीन्स वो विफल रही। किसमें विफल रही, अंगूरों तक पहुंचने में वो विफल रही। डिसअपॉइंटेड, हताश। द फॉक्स, लोमड़ी, देन, फिर, गेव अप। गिव अप, गिव अप का सेकंड फॉर्म है। गिव अप मीन्स हार मान लेना, एंड गिव अप मीन्स हार मान ली। तो लोमड़ी ने हार मान ली,
एंड कंसोल्ड. कंसोल्ड मीन्स दिलासा दी. हरसेल्फ, हरसेल्फ मीन्स उसने खुद को. सो द फॉक्स देन गेव अप एंड कंसोल्ड हरसेल्फ. लोमड़ी ने फिर हार मान ली और उसने खुद को दिलासा दी, सेइंग कहते हुए, आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूँ, ट्राइंग टू ईट दिस ग्रेप्स, इन अंगूरों को खाने की कोशिश कर रही हूँ. आई शुड हैव नोन, मुझे मालूम होना चाहिए था. जब कभी भी आप मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें तो समझ जाना कि ये एक ग्रामर का रूल है जिसका यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि पास्ट में ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जैसे कि यहाँ पे ये कह रही है लोमड़ी खुद को कि आई शुड हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए था. तो उसे पता नहीं था तभी तो वो कह रही है ना कि मुझे पता होना चाहिए था. ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहें कि मुझे इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए था, आई शुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो. तो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं किया तो अब लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये ग्रामर का रूल समझ में आ गया है और वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है. और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना. सो बैक टू द स्टोरी. आई शुड हैव नोन, मुझे मालूम होना चाहिए था दैट कि दीज ग्रेप्स आर सावर, कि ये अंगूर खट्टे हैं. सावर मीन्स खट्टे. तो आज की स्टोरी से हमने सीखा, इट इज इजी टू डिस्पाइज व्हाट यू कैनॉट गेट, मीन्स जिसे आप नहीं पा सकते उसे तुच्छ समझना आसान है. तो आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस होती है यहीं पे खत्म. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.